Hello friends, welcome back to my channel Study with Sony. How are you all? I hope that you all are in good well-being. Well friends, today again I came up with one more very interesting, fascinating, mysterious and horror-based story. And the story name is Something in the Water. And today's story's writer is our very favorite Indian English literature author Ruskin Bond. फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि रस्किन बॉन्ड पहाड़ी क्षेत्र की हर तरह की स्टोरीज को लिखने में माहिर है। जैसे कुछ स्टोरीज तो नेचर रिलेटेड होती हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर प्यारी कहानियां हैं, जो उन्हें नेचर के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। और वे कुछ ऐसी स्टोरीज भी लिखते हैं जिनकी थीम हॉरर एंड मिस्ट्री रिलेटेड होती है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की कहानी के वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सकें। सो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रस्किन बॉन्ड अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि अक्सर जब बच्चे टीन एज की अवस्था में होते हैं तो वे बड़े ही खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें हमेशा कुछ नया करना होता है या कुछ नया डिस्कवर करना होता है। मैं भी एक टीन एज बॉय था जिसकी उम्र 18 से 19 वर्ष की रही होगी और मेरी खोजी प्रवृत्ति के कारण ही मैंने गर्मियों के दिनों में राजपुर के पास एक तालाब की खोज की थी। यह वो घटना है जो मैंने लगभग 15 वर्ष पहले अनुभव की थी। वहां उस तालाब के आसपास ढेर सारे शाल के पेड़ों की छाया थी। वह जगह आबादी वाली जगह से बहुत दूर थी, जहां किसी का आना जाना लगभग ना के बराबर था। वहां का शांत, ठंडा, छायादार और आकर्षक वातावरण बहुत ही ज्यादा मन को लुभाने वाला था और गर्मी से बचने के लिए मैंने अपने कपड़े उतारे और तालाब के पानी में तैरने लगा। पानी मेरी सोच से ज्यादा ही ठंडा था। मुझे उस समय ऐसा फील हो रहा था कि यह मैं किसी ग्लेशियर के पानी से ही नहा रहा हूँ। मुझे उस समय यही अनुभव हुआ था कि शायद बड़े लंबे समय से सूरज की किरणें यहाँ इस तालाब पर नहीं पड़ी हैं और मैं तालाब में एक तरफ से दूसरी तरफ तैरते हुए चला जा रहा था। तभी मुझे अचानक इतनी ठंड का एहसास हुआ कि मेरा शरीर कपकपाने लगा और मैं तुरंत तालाब से निकलकर पास की एक चट्टान पर जाकर के बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरा मन और भी ज्यादा तैरने को हुआ और फिर से मैं तालाब में तैरने लगा। तभी मेरे पैरों के बीच से कोई अचानक सी ऐसी चीज फिसली जो चिपचिपी, गूदेदार व चिकनी थी और मेरी आंखों के सामने मैंने वहां किसी को नहीं देखा था और ना ही किसी का शोर ही मुझे सुनाई दे रहा था। मैं बेफिक्र होकर के तैरता रहा और अचानक मैंने फील किया कि वह अजीब फिसलने वाली चीज भी मेरे शरीर का पीछा पानी के अंदर कर रही थी। मुझे ये सब बिल्कुल अजीब सा लगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह चीज मेरे पैरों के बीच में बार बार आ रही थी और फिर ऐसा लगा जैसे उसने मेरे पैरों को चूसना शुरू कर दिया। वहां कुछ तो अजीब था और तभी उस पानी के अंदर ना दिखने वाली चीज ने मेरे पैरों के तलवों को एक लंबी चीप से चाटना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने ये महसूस किया, मैंने तुरंत अपने पैरों से जोर जोर से हमला करना शुरू कर दिया और डर के कारण उस चीज से छुटकारा पाने के लिए मैं जल्दी ही पानी की सतह पर तैरता हुआ तालाब से बाहर निकल आया और भागते भागते एक चट्टान पर जा करके बैठ गया और वहीं उस चट्टान से उस तालाब की ओर देखता रहा। मैंने देखा कि पानी में कोई हलचल नहीं थी। तालाब की सतह बिल्कुल ही शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। बस कुछ पेड़ के पत्ते ही वहां थे जो पानी पर गिरे थे और वही तैर रहे थे।
वहां तालाब के आसपास कोई भी फ्रॉग, फिश या कोई वाटर बर्ड भी नहीं थी, जो अक्सर हम किसी न किसी पॉन्ड या रिवर के आसपास जरूर देखते हैं। और ये बहुत अजीब घटना थी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तालाब में कुछ तो था जो जीवित था, जो बहुत ही ज्यादा ठंडा खून वाला और पानी से भी ज्यादा ठंडा और गीला चिपचिपा था। क्या ये कोई खरपतवार या जंगली घास तो नहीं थी जो किसी लाश को ढके हुए हो? वैसे भी यह जगह बिल्कुल सुनसान है, क्या पता वहां क्या था। सच कहूं, मैं इतना डरा हुआ था कि अब और कुछ जानने की मुझमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और जल्दी से मैं उस जगह को छोड़ अपने घर वापस लौट आया। कुछ दिनों बाद मुझे दिल्ली जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं दिल्ली चला गया, जहां मैंने एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में जॉब ली। और वहां काम इतना था कि वह जंगल का भयानक तालाब मुझे याद ही नहीं आया। और मुझे दोबारा राजपुर आने में लगभग 10 साल का समय लग गया। मैं राजपुर में एक होटल में रुका हुआ था और फिर एक सुबह मैं उसी पुराने साल के जंगल से गुजरते हुए उसी तालाब की ओर अनचाहे तरीके से खींचा चला आया। वही पुरानी जगह जहां मैं कई वर्ष पहले जब मैं छोटा था तब वहां मैं स्विमिंग करने आया था और डर के कारण अपने घर चला गया था। पर सच कहूं तो आज मेरा स्विमिंग करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। बस मैं उस जगह को वहां देखना चाहता था कि वह तालाब आज भी वहां है या नहीं। मैं देख पा रहा था कि अब वह जगह इतनी वीरान नहीं थी जितनी की पहले थी। अब लोगों ने वहां कुछ घर बना लिए थे और तालाब के आसपास काफी चहल पहल थी। मैंने देखा कि कई मजदूर उस तालाब से बाल्टियों और पाइप के जरिए पानी निकाल रहे थे। उन्होंने उस जलधारा को भी बंद कर दिया था और उसका रुख भी मोड़ दिया था, जिससे उस तालाब में पानी आकर के मिल जाया करता था। इस काम को करवाने वाले सफेद सफारी सूट पहने एक वेल ड्रेस्ड आदमी से मैं मिला। वे वहीं थे। उनकी ड्रेस को देखकर मुझे पहले लगा कि वे फॉरेस्ट वार्डन हैं, पर बाद में मुझे पूछने पर पता चला कि वे वहां बने एक न्यू स्कूल के ओनर हैं। उनका स्कूल पास में ही था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप राजपुर में ही रहते हो? मैंने कहा, बहुत साल पहले मैं यहां रहा करता था, पर अब नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आप तालाब क्यों खाली करवा रहे हैं? उन्होंने कहा, ये वाटर पूल एक तरह का खतरा बन चुका है। मेरे स्कूल के 2 लड़के यहाँ पानी में डूब गए थे। दोनों लड़के सीनियर क्लास के बच्चे थे। हाँ, पर उन्होंने यहाँ आने की कोई अनुमति या सूचना किसी को नहीं दी थी और उन्हें यहाँ इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। यहाँ पूल में आना बैन है। एंड मिस्टर बॉन्ड, आप तो जानते ही हैं कि इस उम्र के लड़के होते कैसे हैं। हम अगर एक नियम बनाए तो वे इसे तोड़ने का प्रयास जरूर करते हैं। मैं जिनसे बातचीत कर रहा था वे मिस्टर कपूर थे। फिर मिस्टर कपूर मुझे अपने घर ले गए। उनका घर बहुत ही बड़ा सुंदर नया मकान था। तभी थोड़ी देर बाद उनके नौकर ने हमारे लिए ठंडे शरबत के 2 ग्लास लेकर के आ गया। हम दोनों बांस की बनी हुई कुर्सियों पर बैठ गए थे, जहां से उस तालाब और जंगल को आराम से हम वहां से देख सकते थे। बंगले के पास से एक सड़क जा रही थी, जिसकी दूसरी तरफ स्कूल की न्यू बिल्डिंग थी, जो कि सफेद रंग की थी। धूप में वह बहुत ही सुंदर चमक रही थी। तभी मैंने मिस्टर कपूर से पूछा कि उस समय दोनों लड़के एक साथ वहां थे। वे कहते हैं, हाँ, वो दोनों ही गहरे दोस्त थे, इसलिए वे एक साथ वहां गए थे। और वे बताते हैं कि उस दिन उन पर पूरी तरह किसी राक्षसों द्वारा हमला किया गया होगा, क्योंकि उनके हाथ पैर मुड़े हुए और टूटे हुए थे, चेहरा बहुत ही बिगड़ा हुआ था।
और मेडिकल एग्जामिनेशन से ये पता चला कि उन दोनों लड़कों की मृत्यु का कारण पानी में डूबने से हुई थी। तभी हम दोनों फिर से तालाब के पास गए, जहां कुछ मजदूर तालाब से पानी निकाल रहे थे और कुछ मजदूर दोपहर के भोजन के लिए चले गए थे। मैंने मिस्टर कपूर से कहा, शायद यह बेहतर होगा कि उस जगह को अकेले छोड़ दिया जाए, इसके चारों ओर कटीले तारों की बाउंड्री करवा दें और आप अपने स्कूल के लड़कों को यहाँ इस जगह बिल्कुल भी ना आने दें, इस जगह से उनको बिल्कुल दूर रखें। मैंने उन्हें यह भी बताया कि हजारों साल पहले यह घाटी एक छोटे समुद्र की जैसी थी, पर आज इसमें कुछ छोटे तालाब और नदियां ही बची हैं। तब मिस्टर कपूर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इस तालाब को भरना चाहता हूं और वहां कुछ बनाना चाहता हूं, शायद एक ओपन एयर थिएटर, और एक मैनमेड तालाब तो कभी भी कहीं पे भी मैं बना सकता हूं। और तभी हमने देखा कि तालाब के पास एक ही मजदूर काम कर रहा था और वह घुटने तक गंदे पानी में डूबा हुआ था, और उस मजदूर के साथ आगे जो हुआ वह मिस्टर कपूर और मैंने एक साथ देखा था। अचानक तालाब के तल से कोई चीज निकली। यह एक बड़े विशाल घोंगे जैसा दिखता था, लेकिन इसका सर मनुष्य जैसा था, इसके नीचे का शरीर ऑक्टोपस के जैसा था। वह चीज बड़ी अजीब, डरावनी और बड़ी भयंकर थी कि वह मजदूर उसके सामने बौना लग रहा था। वह बड़ा नरम और चिपचिपा प्राणी था। उसने उस मजदूर को अपने ऑक्टोपस वाले निचले शरीर से अच्छे से पकड़ लिया और वह मजदूर इस हालत में हो गया कि उसके हाथ पैर अजीब ढंग से हिलने लगे और उस अजीब प्राणी ने मजदूर को पानी के नीचे ले गया और उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वहां कोई और लोग नहीं थे, इसलिए यह खबर फैल गई कि मजदूर का सर बड़े पत्थर से टकराया और वह चट्टानों पर गिर गया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। मिस्टर कपूर ने मुझे इस सीक्रेट बात को किसी से न कहने का प्रॉमिस ले लिया। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि अगर इस तरह की घटनाएं वहां और अधिक हुई और लोगों को पता चला तो उसका स्कूल बंद हो जाएगा। पर इस घटना के बाद जल्दी ही मिस्टर कपूर ने उस तालाब को अपनी प्रॉपर्टी से दूर एक बहुत ऊंची बाउंड्री से इस जगह तक पहुंचने का सारा रास्ता बंद करवा दिया। अब वहां कोई नहीं पहुंच सकता था। घने जंगल और घास झाड़ियों ने भी उस जगह को ढक दिया था। मॉनसून की बारिश हुई और तालाब फिर से भर गया। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उस जगह तक कैसे पहुंचा जाए, पर आपको तैरने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगा। सो फ्रेंड्स, स्टोरी यहीं पर एंड होती है एंड आई होप कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी के वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।